से कभी कभी तो ऐसा फील हो रहा होता है कि मतलब औरत में मतलब पैदा ही क्यों हुई, काश औरत नहीं होते, काश मतलब मर्द ही होते तो कितना अच्छा होता ना। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? आई एम फाइन एंड होप यू ऑल आर ऑल्सो फाइन। सो फ्रेंड्स, आई एम बीमू एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ माई मॉर्निंग रूटीन। सो अभी मैं उठ चुकी हूँ, सुहाना एंड सुहाना के पापा सोए हुए हैं, अभी मैं जा रही हूँ काम करने। बाहर ठंड बहुत है इसलिए मैं टोपी लगा लेती हूँ और उसके बाद मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि मेरा मॉर्निंग रूटीन में मैं क्या क्या करती हूँ। तो ये देखिए, मैं अभी टोपी पहन ली और उसके बाद यहाँ पे मैं किचन को, सॉरी, जो बेडरूम है वो मिलाने लगी। तो कल जो कपड़ा लाई थी उसको नहीं मिला के रखी, तो अभी मैं वो कपड़ा मिला रही हूँ। तो अभी हमारे पास कपड़े रखने वाले नहीं है, तो इसलिए बेड के नीचे ही रख रही हूँ सारे कपड़े को, बैग में रख रख के। और उसके बाद मैं बेडरूम को मिला रही हूँ, देख रहे हैं आप लोग। पहले ये ट्रंक को जो है उसको पहले मैं सेट कर ली, उसके बाद जो टेबल है तो टेबल को सेट करूँगी। तो अभी ये ट्रंक सेट हो गया है, तो उसके बाद मैं अभी बाहर रही हूँ और सारे कुछ मतलब सेट करते करते रूम को भी सफाई कर रही हूँ, बाहर रही हूँ। और क्योंकि वीडियो को बहुत फास्ट करी हो तो जल्दी जल्दी से हो रहा है, वरना ये वीडियो बहुत लंबा था, 1 आवर एंड 26 मिनट था। तो ये देख रहे हैं आप लोग, मैं सारे रूम को इसी तरह से डेली मतलब इसी तरह से मैं सफाई करती हूँ, सारे कुछ जहाँ जहाँ पे बिगड़ा रहता है वो सारे कुछ को सेट करती हूँ, उसके बाद रूम को सफाई कर लेती हूँ। ये जो कुर्सी वगैरह है ये सारे कुछ को मिला लेती हूँ। और उसके बाद देखिए, ये जो ट्रंक के जो कपड़ा था वो बिगड़ गया था, क्योंकि ये ताना है तो ताना को ठीक कर दी। अभी प्रॉपर कोई चीज़ नहीं है कवर करने की, लेकिन बाद में कवर कर लूँगी। तो ये अभी हो गया और ऑलमोस्ट रूम जो है वो सफाई हो गया है। और उसके बाद अभी ये पैसेज को सफाई कर रही हूँ, पैसेज को बहाड़ रही हूँ। तो ये पैसेज बहाड़ने के बाद अभी सीढ़ी को बहाड़ूँगी और उसके बाद किचन को सफाई करूँगी। तो अभी ये पैसेज भी ऑलमोस्ट हो गया है, उसके बाद ये सीढ़ी भी हो गई। अभी बेडरूम और पैसेज की सफाई हो गई, अभी हम किचन में आए हैं। तो किचन में जो भी बर्तन वगैरह है उसको हम डालते हैं, उसमें पानी डालते हैं, तब तक फूलेंगे वो, तब तक हम लोग किचन की सफाई कर लेते हैं, उसके बाद वो पूरा जो है उसको फेंक देंगे डस्टबिन में। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए, ये रात का सब्जी था उसको गर्म कर लिए पहले, उसके बाद किसी पोट में इसको रख लेंगे, यहाँ पे धोली में इस पोट में रख दूँगी। और उसके बाद इसको सफाई करेंगे यानी कि धोएंगे अभी दिन का खाना बनाने के लिए। तो ये अभी फूलने के लिए रख दिए, उसके बाद हम किचन को सफाई कर लेंगे, बाहर सुहार लिए। अभी देखिए किचन भी साफ़ हो गया है ऑलमोस्ट, और अभी हम इसको उठा के डस्टबिन में रख देंगे और उसके बाद फिर से किचन में जाएंगे वापस। तो अभी किचन एंड बेडरूम का सफाई हो गया, अभी बेडरूम में भी और किचन में भी पोछा लगाएंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे बेडरूम में जो है पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग खाते हैं तो रात में भी थोड़ा सा लगा देती हूँ, लेकिन सुबह में भी मन नहीं मानता है। तो यहाँ पे बेडरूम में भी पहले पोछा लगा लिए, उसके बाद जैसे ही ये पोछा हो जाएगा बेडरूम में, तो उसके बाद जाएंगे हम किचन में पोछा लगाने। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट देख सकते हैं आप लोग, हो गए हैं। इसके बाद अभी हम चलते हैं किचन। तो किचन में जो ऊपर का है वो सफाई रात को ही कर ली थी, तो अभी यहाँ पे नीचे का जो है उसमें कर ली। और उसके बाद देखिए बर्तन भाड़ा जो है वो धो रही हूँ जल्दी जल्दी से, बहुत फास्ट किया गया है, नहीं तो ये बहुत बड़ा वीडियो बन जाता। तो इसलिए देखिए यहाँ पे बर्तन भाड़ा का जो है वो सफाई हो रहा है। उसके बाद हम आगे का काम करेंगे, बेडरूम में जाएंगे सुहाना और सुहाना पापा को उठाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गया उठने वाले। तो अभी ये देखिए ये सारा काम ऑलमोस्ट हो गया, उसके बाद बेसिन भी क्लीन कर ली। तो अभी किचन एंड बेडरूम को सफाई हो गई है, अभी मैं जा रही हूँ नहाने, नहा के आने के बाद मिलती हूँ आप तो लोगों अभी मैं से। चली गई नहाने के लिए, सुहाना पापा को बोली उठने को, तो वो बोले कि नहीं उठेंगे अभी, रात को बहुत देर से सोए थे। तो देख सकते हैं आप लोग, ब्रश व्रश करके वॉशरूम वगैरह से आके मैं यहाँ पे नहा धो के आ गई हूँ, सिंदूर का जो टीका है वो लगा के उसके बाद मैं पूजा कर रही हूँ। और जो मेकअप का सामान जो भी करना होगा वो बाद में करूँगी, क्योंकि मतलब जितना सुबह में हम पूजा करते हैं उतना अच्छा होता है। तो ये पूजा कर ली हूँ मैं, और बीच में मोबाइल में कॉल आ गया था तो बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाया। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं, पूजा करने के बाद मैं मेकअप कर रही हूँ थोड़ा सा, और ये मेकअप करने के बाद जो है बाल बाल बना लेंगे। उसके बाद पीछे आप लोग देख ही सकते हो विकास जी भी उठ गए हैं, तो उसके बाद हम खाना बनाने जाएंगे। तो देखिए यहाँ ये बाल वाल बना लिए, उसके बाद जो भैंसलिन है वो हाथ में और पैरों में लगा लेती हूँ, और उसके बाद हम जाएंगे किचन में। तो ये सारा कुछ अभी हो गया फ्रेंड्स, अभी इतना सारा काम करने के बाद अभी चलेंगे किचन में किचन वर्क करने के लिए। और अभी हस्बैंड जी भी उठ गए हैं, से हाय हेलो। और अभी सुहाना भी उठेंगी, और सुहाना सुहाना के पापा दोनों जाके फ्रेश होंगे, ब्रश वगैरह करेंगे, तब तक मैं जा रही हूँ किचन में कुछ बनाने के लिए, है ना। तो अभी हम किचन में आ गए हैं, और किचन में आने के बाद यहाँ पे देखिए एक साइड में जो ये दूध है, दूध बॉयल हो रहा है, कल का ही दूध है, और एक साइड में ये पानी है जो पानी बॉयल कर रहे हैं चाय के लिए।
और यहाँ पे देखिए एक साइड में दूध बोल रहा है, दूध बॉयल हो जाएगा तो थोड़ा सा दूध हम निकाल लेंगे सुहाना के लिए, उसके बाद चाय में ये पानी डाल देंगे। चाय बनाने के लिए दूध में पानी डाल दिया, और उसके बाद देखिए यहाँ पे अदरक धो के अदरक को थूर के हम इसमें डालेंगे चाय में, तो यहाँ पे अदरक थुरा गया है और अभी इसमें डालेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे हम लौंग और उसके बाद इलायची, क्योंकि हस्बैंड जी जो है इलायची वाले चाय पीते हैं वो भी कभी कभी, तो इसलिए यहाँ पर इलायची डाल रही हूँ मैं, देख सकते हैं आप लोग थूर के, तो इलायची भी डाल दिए। उसके बाद इसमें जो है चाय पत्ती डाल देंगे, तो कभी कभी पीते हैं इसलिए हम मतलब इतना ज़्यादा नहीं रखते कुछ भी, तो ये पत्ती डाल दिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे तेज पत्ता, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कप को रेडी करके रख ली हूँ। उसके बाद चीनी डाल दी, चीनी से पहले हमको डालना था ये तेज पत्ता लेकिन भूल गई थी, तो ये तेज पत्ता को थोड़ा सा गर्म करके इसमें डाल देंगे ताकि टेस्ट दे। और इसी बीच सुहाना आ गई, तो सुहाना बोल रही थी कि मुझे भी चाय चाहिए, सुहाना को भी पता चल गया चाय बन रहा है, तो सुहाना को पहले ब्रश करवा दी क्योंकि सुहाना के पापा वॉशरूम में है, तो मैंने ही करवा दी ब्रश। और ब्रश करवाने के बाद सुहाना को थोड़ा सा चाय देंगे, सुहाना के साथ चीटिंग करेंगे, चाय थोड़ा सा डालेंगे उसके ज़्यादा दूध डालेंगे, तो दूध डाल दी, थोड़ा सा चाय डाल दी, सुहाना को लगेगा चाय ही है तो दे दिए, सुहाना अभी पी रहे। उसके बाद हम दोनों के लिए चाय छान ली, तो सुहाना के पापा वॉशरूम में ही है तो मैं चाय पी ली, उसके बाद सुहाना के पापा आएंगे तो पी लेंगे। तो ये देखिए सुहाना ये जो चाय पी रही है वो सारा ख़त्म करके सुहाना को हम नाश्ता करवाएंगे, उसके बाद सुहाना चल जाएगी पढ़ने के लिए, तो सुहाना को कुछ पढ़ने के लिए दे देंगे। तो देख लिए आप, जब मेरा ख़त्म हो गया था तो सुहाना मुझे दी अपने में से खुद में से और बोल रही थी कि बहुत अच्छा है। और उसके बाद सुहाना का नाश्ता हो गया है, उसके बाद सुहाना चली गई मतलब पढ़ने के लिए, 1 2 3 दे दिए सुहाना को लिखने को, और वापस मैं आ गई किचन में काम करने के लिए। तो ये आज का दूध है, तो ये दूध को मैं बॉयल करके रख दूँगी और उसके बाद चावल चढ़ा दूँगी, जब तक चावल पकेगा तब तक सारे कुछ हम सब्जी के लिए और चटनी के लिए रेडी कर लेंगे। तो अभी ये चावल जो है मैं चढ़ा दी हूँ, और उसके बाद ये देख रहे हैं आप लोग जिससे मैं दूध को बॉयल करूँगी वो पॉट को मैं धो लीहू, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग दूध अभी बॉयल होगा, अभी बॉयल होने लगा है, तो दूध को मैं अच्छे से पहले बॉयल कर ली, उसके बाद हम इसको नीचे रख देंगे। और उसके बाद हम सब्जी के लिए सारे कुछ यहाँ पे देखिए आप लोग रेडी कर रही हूँ, मैं सब्जी कट कर रही हूँ। तो सब्जी में है यहाँ पे गोभी आलू का सब्ज़ी और जो धनिया का होता है वो उसका चटनी बनेगा। तो अभी ये सब्जी के लिए सारे कुछ रेडी कर रहे हैं, गोभी को काट रही हूँ, आलू को काट रही हूँ, सारे कुछ को। और यहाँ पे देखिए ये जो है अदरक लहसुन और हरा मिर्च को पेस्ट बना रही हूँ सब्ज़ी में देने के लिए। फ्रेंड्स मैंने अभी यहाँ पे देखिए सब्जी बना लिया है, और ये है धनिया का हरा चटनी। तो ये सब्जी और हरा चटनी दोनों चीज़ का रेसिपी मैंने शूट कर लिया है, एडिट करके बीमो ऑफिशियल पे डाल दूंगी, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हो इस सब्जी और धनिया का चटनी का रेसिपी। खाना बनाने के बाद जो सुबह में नहाई थी तो वो कपड़े और थोड़ा सा सुहाना का कपड़ा बाकी था धोने के लिए, तो ये अभी धो रही हो। और इस सारे कपड़े को धो लेने के बाद कल का जो कपड़ा था वो नहीं सुखा था यहाँ पे कोहरा की वजह से, तो वो सारे कपड़े को लेकर हम जाएंगे ऊपर सुखाने के लिए। तो अभी देखिए मैं अभी ऊपर जा रही हूँ सारे कपड़े को लेके सुखाने के लिए। तो ये देख सकते हैं आप लोग कल वाले भी कपड़ा है यहाँ पे जिसको मैं सूखने के लिए दे रही हूँ, और आज वाले भी कपड़ा मैं यहाँ पे सूखने को लिए दे रही हूँ। थोड़ा सा हवा लगेगा क्योंकि धूप नहीं है। तो इतना सारा काम औरत को रोज करना होता है, इससे भी ज्यादा होता है, अगर ज्यादा बच्चे हो तो और भी ज्यादा करना पड़ता। हस्बैंड बाहर काम कर रहे हो तो टाइम पे खाना वगैरह, और खुद अगर वर्किंग हो तो और भी ज्यादा प्रेशर बन जाता है क्योंकि घर पे बहुत ज्यादा काम रहता है, जो कि मतलब औरत को डेली करना पड़ता है, डेली लाइफ में डेली बेसिस में करना पड़ता है। मतलब दिन भर ये सब घर का काम इतना करना होता है कि मतलब थक भी जाते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन मतलब सही में पूछो तो मतलब नाम कोई भी नहीं होता है, मतलब कुछ भी नहीं इस काम को, मतलब कोई नाम ही नहीं है कि मतलब इतना ज़्यादा काम करते हैं, इतना ज़्यादा थक जाते होंगे, कुछ भी नहीं। और इसी के वजह से कभी कभी तो ऐसा फील हो रहा होता है कि मतलब औरत में मतलब पैदा ही क्यों हुई, औरत नहीं होती तो कितना अच्छा होता। मतलब बहुत दिन ऐसा फील होता है कि मतलब काश औरत नहीं होते, काश मतलब मर्द ही होते तो कितना अच्छा होता ना। मतलब मर्द कोई भी काम करता है तो मतलब बहुत तारीफ़ किया जाता है, लेकिन औरत करते हैं तो कुछ भी नहीं। ऐसे नहीं है कि मतलब काम नहीं करना पड़ता, लेकिन जो भी काम करते हैं, हम लोग भी बहुत काम करते हैं, हम लोग भी थक जाते हैं, हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। अगर हम लोग बाहर काम कर रहे होते हैं तो बाहर के साथ साथ अंदर का भी काम करना पड़ता है, मतलब घर का काम करना पड़ता है, तो और भी ज़्यादा प्रेशर बन जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि औरत को मतलब प्रेज किया जाए, वो तारीफ़ किया जाए कि ये बाहर का भी काम कर रहा है, घर का भी कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा कर रहा है। इसमें ये कहा जाता है कि तुम घर के ही काम करते हो तो क्या बड़ा काम कर लेती हो, मतलब घर का काम तो सारे करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसे मतलब लोगों को बुरा
अच्छा लगता है, हम लोगों को बुरा लगता है कि इतना काम करते हैं लेकिन हमारा काम को कोई भी नाम नहीं। तो ये था हमारा छोटा सा एक्सपीरियंस जो इसमें मैं अपने मॉर्निंग रूटीन में बताई। बाकी आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके बताइएगा। ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे देखिए सब्जी और ये हरा चटनी बन गया है, जिसका रेसिपी अगर आप लोगों को चाहिए तो वीमो ऑफिशियल चैनल पे जाके देख सकते हो, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से भी आप लोग जाके देख सकते हो। तो फ्रेंड्स ये मेरा मॉर्निंग रूटीन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगी यानी कि हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हमें राय प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। लव यू ऑल।